वेलकम बैक एवरीवन। द ऑफिसर्स एकेडमी के करंट अपडेट में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है कास्ट बेस्ड सेंसस टू बी हेल्ड इन बिहार। जान लेंगे यह न्यूज में क्यों था। बिहार में बुधवार को हुई बहुदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना अति शीघ्र शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। कैबिनेट में प्रस्ताव रखे जाने के बाद यह जनगणना बहुत जल्द ही शुरू की जाएगी। ऐसे मेगा अभ्यास में शामिल लोगों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समयबद्ध अभ्यास होगा और सभी लोगों के विकास के लिए जाति, समुदाय और धर्म के प्रत्येक विवरण का ध्यान रखा जाएगा। जान ले, इससे पहले बिहार विधानमंडल में जाति आधारित जनगणना के लिए दो बार प्रस्ताव पारित किया गया था और 11 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भी इस अभ्यास की मांग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने उनकी मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह एक विभाजनकारी कवायद होगी, लेकिन कहा कि राज्य अपने दम पर जातिगत जनगणना कर सकते हैं। जान लेंगे भारत में जनगणना के बारे में। पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। उस दौरान लॉर्ड रिपन भारत के वॉइसरॉय थे। हालांकि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना हर 10 साल में आयोजित की जाती है और अब तक यह 2011 तक 15 बार आयोजित की जा चुकी है। आज का हमारा सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? जिसका सही उत्तर है बी 1951। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं।